बेटी का नाम राधिका है और जे अमृतसर माला गांव के रहने वाले हैं और इसकी गवाही जे जे बता रहे कि इसकी एज 15 साल की हो चुकी है और उस समय से इसका इसके दोनों आंखों का टेढ़ापन था जिसके कारण इसकी जो नजर थी मुझे बता रही कि वो भी बहुत कम थी। इसको सही तरह से दिखाई नहीं देता था, इसको पढ़ने लिखने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। और जब बता रही कि जैसे ही जे फर्स्ट टाइम 6 मार्च संडे की मीटिंग में आए और इन्होंने बताया कि जैसे ही प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए ली हैंड हुई, सबसे पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखेंगे। और जब बता रही कि जब इसकी आंखों का बहुत ज्यादा टेढ़ापन था उसके कारण जो बहुत परेशान थी, बच्चे इसका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाते थे और जब बता रही कि इसने चश्मा भी पहन लगाया हुआ था। पर जैसे उस दिन जब फर्स्ट टाइम 6 मार्च की मीटिंग में आई इसके लिए ले एंड हुई और जो बता रहे कि उस दिन से इसकी आंखों का बहुत ज्यादा फर्क है, इसको अभी जो इसकी नजर कम थी इसको अभी साफ दिखाई दे रहा है। और जो बेटी बहुत खुश है कि परमेश्वर ने मुझे आंखों के टेढ़ेपन से अच्छा कर दिया है। और जो बता रहे कि जो बच्चे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते थे, जो बता रहे कि स्कूल में भी इसको अच्छा नहीं लगता था क्योंकि इनके टीचर कहते थे कि आप जब पढ़ते हो तो आपको समझ नहीं आती क्योंकि इसको अच्छे से दिखाई नहीं देता था। और जब बता रही कि अभी जब पढ़ भी सकती है, परमेश्वर ने अभी इस प्रॉब्लम से इसको अच्छा कर दिया। इस गवाही के लिए जब परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती है। तारीफ करो इस बात के लिए। यीशु ने शु ले आए जदों दा, 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 यीशु ने शु ले आए जदों। अब चेक करें क्या करें, चेक करें। ये बोल रहे हैं कि इसे कम नजर आता था, क्या बोलूं, कम नजर आता था। अभी इसकी हमारे पास प्रॉपर वो फोटो नहीं है कि जिसमें इसका टेढ़ापन था, क्योंकि जिस दिन मैंने इस पर ले हैंड की मैंने इसके आंखों पर हाथ रखकर दे दी, नहीं तो उस वीडियो में भी आपको दिखाते। क्या दिखाते, इसकी पिक हमने ली मगर उसमें सही नहीं है। बोलो क्या है, उसमें सही नहीं है। पर इससे प्रूफ होता है, सबूत है इस चीज का कि ये खुद आपके सामने है। और हम इससे पूछते हैं, बेटा क्या नाम है आपका, सामने देखो राधिका, क्या करते थे आपके, कितना टेढ़ापन था आपका? काफी ज्यादा सी थे, मेरा मजाक उड़ाते थे सारे। मजाक, बच्चे मजाक उड़ाते थे? हाँ जी। चश्मा कब से लगा था आपको, कितने साल से? काफी चिर हो गया से, पर मेरा जी नहीं करता सी लाने, सारे मेनू बैटरी बैटरी। क्या कहते थे? बैटरी कहते थे। बैटरी। जैसे बड़े लोग ज्यादा उम्र वाले नहीं हो जाते तो उसको ऐसे मजाक बहन जी करते, बच्चे करते। हाँ जी, छोटी बच्ची है, देखो अब देखो उसकी माँ कैसे रो रही है, क्योंकि खुदा ने अब काम किया है ना। जब निराशा दूर जाती है, बोलो क्या है, तो अब खुश हो, अब रो ना। हाँ, दिखाओ उनके मदर को भी, है ना। अब रो नहीं, अब खुश हो, क्योंकि यहाँ अभी आपकी निराशा को जो लोग हाँ संसार में ताने दे रहे थे ना इस चीज के लिए, हाँ तो ठीक है, दिखाओ। तो लोग बहन जी करके बात करते थे। कितनी उम्र है बच्चे आपकी? हाँ 15 साल, देखो अभी सिर्फ 15 साल है। तो उसी दिन से फिर चश्मा उतार दिया? हाँ जी। बोलो क्या है, अब मेरे पास इसकी कोई पुरानी पिक नहीं है, ये प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। अभी इसकी कोई पुरानी पिक नहीं है हमारे पास कोई, नहीं तो आपको दिखाते, पर ये खुद सामने आपके ये खड़ी है, यही प्रूफ है हमारे पास, है ना, क्योंकि हाँ नहीं तो दिखाते आपको, हाँ क्योंकि इसकी अपनी मदर को देखा, इसको देखा कैसे बच्चे चिढ़ाते थे, क्या जगाते थे, आंखों के टेढ़ेपन के कारण क्या थे, बच्चे चिढ़ा रहे थे और
बहन जी हाँ पेंगी पेंगी सॉरी पेंगी बोलते थे, क्या बोलते थे? पेंगी पेंगी करके। देखो तो छोटा बच्चा क्या होगा, हाँ हो सकता है ये अपनी मदर को बोलती हो मैंने स्कूल नहीं जाना, समझे हो? पर परमेश्वर ने आज इसकी शर्मिंदगी को दूर किया है। मैंने क्या क्या किया है और लोगों के मुंह को क्या किया है, आज बंद कर दिया है, क्योंकि वो सच्चा ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। बोलो क्या है वो? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने कहा हे मनुष्य तेरा काम मेरे लिए कोई भी बड़ा नहीं है। अब आपको अच्छे से नजर आता है? हाँ जी। चेक करें, चेक करें ये कौन से कलर के फूल हैं, इधर देखो ये कौन से कलर के फूल हैं? व्हाइट पिंक ग्रीन। हाँ ग्रीन तो क्या है, नहीं फूल नहीं है, ग्रीन तो पत्तियां हैं। हाँ ठीक है, व्हाइट है ग्रीन है और साथ में क्या है, जो पत्ती है। अच्छा ठीक है, और भी चेक करें, मैं और भी पीछे जाता हूं। अब ये कितनी उंगलियां हैं? एक। अभी तीन। हाँ तीन, तीन है। अभी एक। ये क्या है? अंगूठा। तारीफ करो जोर से, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। यीशु ने शू ले आए, मैंने कहा जोर से तारीफ करो। यीशु ने शू ले आए जदों दा, यीशु ने शू ले आए जदों दा, यीशु ने शू ले आए जदों दा। आमीन। तो प्रेमी जी, डॉक्टरों ने इनको प्रेड के लिए बोला था पर इनके पास पैसे नहीं थे। जब बता रहे कि इनको 25,000 रुपया चाहिए था पर इनके पास नहीं था और जिसके कारण इसका ऑपरेट नहीं हो पाया। देखो डॉक्टरों ने इसके ऑपरेट के लिए 25,000 रुपया मांगा कि फिर इसकी आंखें सही हो जाएगी, पर इनके पास ये गरीब हैं इतनी नहीं थे। बोलो क्या है? इसी लिखा ना परमेश्वर का राज किन लोगों का है, क्योंकि जिसके पास है वो तो करा लेंगे। इसी लिखा परमेश्वर का राज किन लोगों का है, सचमुच परमेश्वर वो सच्चा है। हाँ आज खुदा ने इसकी पूरी शर्मिंदगी को दूर कर दिया। अब बेटा उसके अनुग्रह में बढ़ना है तुझे, हाँ लोगों को बताना है कि मैंने किसको जाना है, ठीक है, उसके प्रेम में बढ़ना है। आज आज से परमेश्वर तेरे साथ होकर और भी बड़े बड़े कामों को करेगा, ठीक है। देख और भी तेरे साथ बड़े बड़े कामों को करना, तूने उसके प्रेम में बढ़ना है, ठीक है ना। तेरी शर्मिंदगी को उसने क्या किया है, दूर किया। अब तूने लोगों को बताना कि यीशु मसीह ईसाइयों का नहीं है, वो धर्म का नहीं है, वो सच्चा है, ठीक है। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दें।